एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैमर श्वेता। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेटिनॉल के विषय में। रेटिनॉल क्या है, किन लोगों को यूज करना है, इसे यूज करते समय आपको किन चीजों का खास ख्याल रखना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। रेटिनॉल आपके एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा असरदार साबित हुआ है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि रेटिनॉल आपके स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपके स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल को इंक्लूड कर रहे हैं और हाईलाइट भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं रेटिनॉल से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाली हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती रहती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। काफी टाइम से अपने स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल को इंक्लूड कर चुकी हूँ। मैं अपने लिए यूज करती हूँ वाओ स्किन साइंस का रेटिनॉल फेस सीरम, और मैंने इससे पहले रेटिनॉल के क्रीम को अप्लाई किया था जो माइल्डर वर्जन होता है। और इसी एक्सपीरियंस से और जितना मैंने रेटिनॉल के बारे में सर्च किया है उसके बेसिस के ऊपर आज मैं सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने आज से 7-8 महीने पहले रेटिनॉल को स्टार्ट किया था अपने स्किन केयर रूटीन में। मैं लगातार सर्च कर रही थी रेटिनॉल क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, सभी चीजें मैंने अच्छे से चेक कर ली थी। क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर अपने लिए चूज करती हूँ या फिर ट्राई करती हूँ और जो प्रोडक्ट मुझे आपको रिकमेंड करना होता है तो मैं ये जरूर श्योर कर लेती हूँ। और मैंने कंप्लीट 6-7 महीने अपने स्किन के ऊपर इसे एक्सपेरिमेंट किया, यूज किया, और देन मुझे जो पर्सनली इसका इफेक्ट लगा है, मैंने अपने स्किन में जो नोटिसेबल चेंजेस देखे हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे कि रेटिनॉल आखिर है क्या। रेटिनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। रेटिनॉल के प्रॉपर यूजिंग से आपके स्किन में आपको बेहतर रिजल्ट दिखाई देंगे, आपकी स्किन में एंटी एजिंग के साइंस जो है वो कम हो जाएंगे, आपकी स्किन यंगर लुकिंग हो जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी और यूथफुल भी रहेगी। ये मेन पर्पज है रेटिनॉल को आपकी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करने का। अब बात कर लेते हैं रेटिनॉल किन लोगों को यूज करना चाहिए। रेटिनॉल आप आफ्टर 20 यूज कर सकते हो। टीनएजर्स को मैं रिकमेंड ही करूंगी रेटिनॉल यूज करने के लिए, लेकिन हाँ आफ्टर 20 आप रेटिनॉल को धीरे धीरे अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। इसे इंक्लूड करते समय आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हो और आप 20 प्लस हो, देन आप मेल हो फीमेल हो फिर भी आप रेटिनॉल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेटिनॉल हमें क्यों यूज करना चाहिए। रेटिनॉल की वजह से आपकी स्किन का सेल टर्नओवर बढ़ जाता है, बूस्टअप हो जाता है। इस वजह से आपकी स्किन की इम्प्योरिटी जो है जल्दी जल्दी क्लियर होने लगती है, आपकी स्किन यूथफुल लगने लगती है। एंड देन अगर आपको सीवियर एक्ने है, पिगमेंटेशन है, फिर भी आप रेटिनॉल को इस्तेमाल कर सकते हो। रेटिनॉल के प्रॉपर यूजिंग से आपके एक्ने, आपके पिगमेंटेशन, आपके हाइपर मार्क्स, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि रेटिनॉल को सही तरीके से किस तरह से अप्लाई किया जाए, यूज किया जाए। यहाँ पर बात कर रही हूँ सीरम की। अगर आप सीरम फॉर्म में रेटिनॉल को यूज करते हो तो आपको एकदम से रेटिनॉल कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आपके स्किन में रेटिनॉल को एक्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, स्किन से बेसिकली रेटिनॉल को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं हफ्ते में एक बार और धीरे धीरे इसके डोसेज आप बढ़ाते जा सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले हफ्ते में एक बार करना है, नेक्स्ट वीक में आपको हफ्ते में दो बार रिपीट करना है, थर्ड वीक में आप हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हो, एंड देन जब आप 4th वीक में पहुंच जाओगे तब आप 2 दिन के बाद रेटिनॉल सीरम को अप्लाई कर सकते हो। रेटिनॉल को हमेशा नाइट स्किन केयर रूटीन में ही लगाना चाहिए, दिन में रेटिनॉल को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेटिनॉल यूज करते समय आपके स्किन सेल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते हो रेटिनॉल को यूज करने के बाद तो आपकी स्किन सेल और भी ज्यादा डैमेज हो सकते हो। और ये भी एक कारण है कि रेटिनॉल को यूज करने के बाद कई लोगों की स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो गई और ज्यादा उसकी लेयर जो है पतली हो गई और रेडनेस बढ़ गई या फिर पिगमेंटेशन बढ़ गया। कई लोगों का ये मानना है कि रेटिनॉल स्टार्ट करने के बाद उनकी स्किन की लेयर बहुत पतली हो गई, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई और उनकी जो स्किन कंडीशन है और ज्यादा वर्स्ट हो गई। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि आपने रेटिनॉल को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया है, इस वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जिस मेथड से मैं आपको बता रही
रही हूँ, अगर आप उस मेथड से अगर रेटिनॉल को आपकी स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बेनिफिट ही मिलेंगे। रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको सही तरीके से अगर आप यूज करें, सही मात्रा में यूज करें, तो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 4 हफ्ते होने के बाद आप नेक्स्ट मंथ में रेटिनॉल को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो, आपकी तब तक आपकी जो स्किन है वो प्रिपेयर हो जाएगी रेटिनॉल को एक्सेप्ट करने के लिए, देन आप रेगुलर यूज कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप रेटिनॉल को रात में ही यूज करें। रेटिनॉल को यूज करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी खासी क्वांटिटी में सनस्क्रीन को अप्लाई करें। विदाउट सनस्क्रीन आप रेटिनॉल को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो न्यू सेल्स रेटिनॉल की वजह से क्रीज होने वाले हैं वो सनलाइट की वजह से डैमेज हो सकते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको रेटिनॉल यूज करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, जिस वजह से आपको रेटिनॉल के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, जस्ट आपको उनके बेनिफिट ही मिलेंगे। वाव का रेटिनॉल फेस सीरम एक माइल्डर वर्जन है और आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन में जो इम्प्यूरिटीज़ है उन्हें भी क्लियर करता है। यह एंटी एक्ने, एंटी एजिंग और रिस्टोरिंग एडवांस रेडियंस बूस्टर है और इसके अंदर आपको पैराबिन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल इन जैसे हार्मफुल केमिकल नहीं मिलेंगे। ये 30 ml प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 599 rupees में और ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री भी है। ये काफ़ी सॉफ्ट है आपकी स्किन के ऊपर, जेंटल है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो। ये आपकी स्किन को बेनिफिट भी देगा और आपकी स्किन में डीपली जाकर आपकी स्किन के इम्प्यूरिटीज़ को क्लियर करेगा। कई सारे क्रीम फॉर्म में भी आपको रेटिनॉल मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही माइल्डर वर्जन है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और आप श्योर नहीं हो कि आपकी स्किन में सीरम अप्लाई करना चाहिए, तो आप क्रीम से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था वाव का रेटिनॉल फेस सीरम। ये काफी जेंटल और प्योर फॉर्म में है। रेटिनॉल को यूज करने के बाद स्किन पीलिंग होना कॉमन है, क्योंकि ये स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है और जब आपकी स्किन की अपर लेयर रिमूव होगी तभी आपकी न्यू सेल्स को जगह मिलने वाली है। कॉमन है और बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट भी इस ट्रीटमेंट में रेटिनॉल को यूज करते हैं, तो इस वजह से स्किन में पीलिंग होना कॉमन है। लेकिन अगर आप क्रीम फॉर्म में रेटिनॉल को यूज करते हो तो एज सच आपको इतनी स्किन पीलिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रेटिंग कंटेंट क्रीम के अंदर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीरम यूज करते हो तो सीरम के बेनिफिट क्रीम से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम डायरेक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसके बेनिफिट क्रीम से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्रिकॉशन के साथ यूज करें तो डेफिनेटली ये आपको सिर्फ और सिर्फ फायदे ही देगा। रेटिनॉल को यूज करने के बाद आपकी स्किन में हाइड्रेशन लेवल कम हो जाती है, स्किन ड्राई होने लगती है, तो इस वजह से आप अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई कीजिए। अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से आपकी स्किन में हाइड्रेशन और मॉइस्चर बना रहेगा और आपकी स्किन पीलिंग में आपको इरिटेशन नहीं होगी। ये स्किन पीलिंग आपको कंटिन्यूस नहीं रहेगी, ये डिपेंड करता है कि रेटिनॉल को आपकी स्किन में कितने हद तक काम करना है। तो ये स्किन पीलिंग 2 हफ्तों से लेकर 1 month तक हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्किन जैसे रेटिनॉल को एक्सेप्ट कर लेगी आपकी स्किन पीलिंग भी रुक जाएगी एंड देन इसके एक्चुअल रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर वे में रेटिनॉल को यूज करते हो तो 100% आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक्टिव स्किन सेल को रिस्टोर करता है, साथ ही साथ ये एक्ने के लिए तो बहुत बेहतरीन काम करता है। आप फेस को देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपना बिफोर पिक्चर पुट कर दूंगी तो आप देख सकते हो कि कितना विजिबल डिफरेंस मेरे फेस में इस रेटिनॉल को इंक्लूड करने के बाद आया है। अगर आप भी इसी तरह से अपने स्किन में चेंजेस लाना चाहते हो तो प्रॉपर वे में रेटिनॉल को जरूर से ट्राई कर सकते हो। ये वाव के प्रोडक्ट्स इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि ये माइल्डर वर्जन होते हैं और लेस केमिकल भी होते हैं और अगेन ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड भी है, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि जब तक आप रेटिनॉल सीरम यूज कर रहे हो तब तक आपको अदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके साथ पेयर नहीं करना है। आप विटामिन सी यूज नहीं कर सकते हो, आप हाइलुरोनिक एसिड यूज नहीं कर सकते हो और आप इन जैसे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ रेटिनॉल को कंबाइन नहीं कर सकते हो। इस वजह से भी शायद आपकी स्किन और भी ज्यादा पील होती होगी या फिर ड्राई हो जाती होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है रेटिनॉल को यूज करते वक्त, और अगर इस तरीके से आप रेटिनॉल को यूज करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी स्किन में वो बदलाव आप देख सकेंगे जो आप मेरी स्किन में भी देख रहे हो। मैं लगातार ट्राई कर रही हूँ इस सीरम को, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका टेक्सचर।
ये क्विक अब्सॉर्बेंट है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। आपको इसे रात में अप्लाई करना है एंड स्किन को अच्छा खासा सनस्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देना है, जिस वजह से आपके जो न्यू सेल्स है उन्हें एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल सके। इस प्रोडक्ट के विषय में आपको इसकी परचेसिंग डिटेल्स और जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलिएगा। सीरम आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप नायका, पर्पल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी चेक कर सकते हो, सभी जगह पर ये अवेलेबल है, या फिर आप वाव के ऑफिशियल साइट से भी इसे परचेस कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में मैंने रेटिनॉल से जुड़े सारे पॉइंट्स क्लियर कर दी है। फिर भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्यूरीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू सून, स्टे सेफ।